अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज, तो एन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न रिफर to a person routine of exercise, activity, leisure and recreation. Activity एक individual के, एक इंसान के रोज़मर्रा के जितनी भी activities है हम उनको भी कह सकते हैं, चाहे वो recreation हो या free time में हो, या वो exercise के लिए जाता हो या अपने job पर जाता हो, गर्ज जितनी भी उसकी movement है तो हम उसको activity कहते हैं। अब अगर एक्टिविटी को डिज़ाइन तरीके से की जाए, यानी प्री प्लान हम किसी ट्रेनर की मदद से या ख़ुद हम वो एक्टिविटी स्पेसिफिक तौर पर करें, तो उसे हम एक्सरसाइज कहते हैं। जिस तरह हमारे आजकल के यूथ में एक ट्रेंड होता है बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, तो बेसिकली वो एक्टिविटी होती है, लेकिन वो एक्टिविटी प्री प्लान तरीके से करते हैं जिसे हम एक्सरसाइज का नाम ले लें। या अगर कोई शख्स अपने आप को फिट रखना चाहता है तो वो अर्ली मॉर्निंग जैसे ही गेटअप होता है, उठता है, तो वो वॉक पर जाता है, रनिंग करता है, या हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो भी अपने आप को फिट रखने के लिए रनिंग करते हैं या मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न इस रिगार्डिंग है हम पढ़ेंगे। इसमें शामिल है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जिसे ADLs भी कहते हैं। ADLs यानी रोज़ाना की बुनियाद पर जो एक्टिविटी की जाती है उसको, उस पर एनर्जी लगती है। देखो, हम जो भी काम करते हैं ना, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, उस पर एनर्जी लगती है। सच एस हाइजीन, सफाई सुथराई वाली एक्टिविटी, अगर किसी को बाल बनाना है, नहाना है, हाथ पांव धोना है, तो एक्टिविटी होगी यानी एनर्जी यूज़ होगी। ड्रेसिंग, कुकिंग, शॉपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, वर्किंग एंड होम मेंटेनेंस, इसके अलावा भी बहुत सारे जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो एक्टिविटी आती। समझ में आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स? और क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स भी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वो भी इस रिगार्डिंग एक्टिविटी अगर हम डिज़ाइन तरीके से की जाए तो उसे एक्सरसाइज कहते हैं। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम ओवरव्यू, देखो अभी मैंने आपको बताया कि हम अगर चलते हैं तो एक्टिविटी होती है, एक हाथ को उठाते हैं तो एक्टिविटी होती है, किसी से हैंड शेक करते हाथ मिलाते हैं तो एक्टिविटी होती है। अब ये एक्टिविटी कैसे होती है, अगर हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी की बात करें बॉडी की, तो ये एक्टिविटी कैसे होती हैं, ये मसल और बोन के मुश्तरका वर्क पर होती हैं, जॉइंट्स के वर्क पर होती हैं। हमारी बॉडी के जो बोन और मसल है ना, इस की वजह से यानी बोन और मसल की वजह से हमारी बॉडी एक शेप बनी, हमारी बॉडी का जो ढांचा बना हुआ है ना, ये बोन्स की मदद से बना है। अगर इस हमारी बॉडी से तमाम मसल आप हटा दो तो क्या रह जाएगा, ढांचा रह जाएगा, हड्डियाँ रह जाएगी। तो हड्डियाँ प्लस मसल्स यानी बोन और प्लस मसल्स, इसकी वजह से हमारा एक फ्रेमवर्क बन जाता है, और फिर जब जॉइंट में हरकत होती है तो हमारी एक्टिविटी होती है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे कि द मस्कुलर स्केलेटल इज रिफर टू कोरिलेशन बिटवीन स्केलेटन और मसल, जो मैंने भी आपसे डिस्कस कर लिया है। व्हाट आर दियर एनाटॉमी फिजियोलॉजी द मस्कुलर स्केलेटल फाउंडेशन ऑन, देखो बोन ऑफ स्केलेटन, ज्वाइंट, मसल। अब कुछ लिगामेंट होते हैं और कुछ टेंडन होते हैं, जैसे ही आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है लिगामेंट क्या है और टेंडन क्या है, लिगामेंट और टेंडन, और इस वाले पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है। टेंडन क्या करता है, मसल और बोन को आपस में अटैच करता है। लिगामेंट क्या करता है, दो बोन को आपस में अटैच करते हैं, जो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। ये लिगामेंट है, ये बोन है, आपको जो येलो पोर्शन है ना पोरस, ये बोन और ये बोन, ये किस तरह, ये लिगामेंट की मदद से जुड़ा होता है, और ये टेंडन बोन और ये आपका मसल है, ये ब्राउन। मसल और बोन को मिलाने वाली चीज़ कौन सी है, वो टेंडन है।
आप लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे, आप लोग डिटेल से पूरा पढ़ोगे कि साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है। देखो, दो बोन को लुब्रिकेट रखने के लिए ग्रीस का काम जो करती है ना, वो साइनोवियल फ्लूइड करती। हमारे दरवाजे अगर बहुत महीने साल हो जाए तो वो जाम होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो जाम हम किस तरह हटाते हैं, वो फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस करते हैं, हम ऑयल ग्रीस वो चीज़ें लगाते हैं। तो ये जो ऑयल ग्रीस का काम है ये कौन कर रहा होता है यहाँ पर, साइनोवियल फ्लूइड कर रहा होता है, सही। तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है बेसिकली, आप लोग डिस्कस करोगे, बट मैंने यहाँ पे ज़रूरी समझा ताकि मैं आपको बताऊँ सिंपल, हमें क्या पता चला इस स्लाइड से कि मस्कुलर सिस्टम में बोन्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, मसल होते हैं, लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं, बोन और बोन को आपस में मिलाते हैं। टेंडन क्या होते हैं, बोन और मसल को आपस में मिलाते हैं। ओके, कुछ फैक्ट्स हैं मस्कुलर सिस्टम के। हमारे जो मसल होते हैं ना, ये हमारे बॉडी का वेट 40% बॉडी का वेट कवर करते हैं हमारे मसल। दूसरा फैक्ट ये है कि द हार्ट इज़ द हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन द बॉडी। हमारे दिल के जो मसल होते हैं ना, वो सबसे सख्त वर्किंग मसल होते हैं, और जो कि पम्प्स, व्हाट डज हार्ट डू, हार्ट पम्प्स ब्लड, सही। दिल क्या करता है, ब्लड को पम्प करता है। तो 5 quarters ऑफ ब्लड पर मिनट एंड 2000 gallon डेली हार्ट पम्प कर रहा होता है, तो इसलिए हार्ट के जो मसल होते हैं ना, वो बड़े हार्डेस्ट वर्किंग मसल होते हैं। उसके बाद द ग्लूटियस मैक्सिमम इज़ द बॉडीज लार्जेस्ट मसल। ग्लूटियस बटक से रिगार्डिंग है, जो हमारे बटक में मसल होते हैं जहाँ पे आप लोग IG लगाते हैं, वो हमारे लार्जेस्ट मसल है बॉडी के। और द एयर कंटेन द स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी अलोंग साइड द स्मॉलेस्ट बोन। दिस मसल होल्ड द इनर ईयर टुगेदर एंड आर कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम। और हमारे ईयर में जो मसल होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट मसल होते हैं। आप लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डिटेल से पढ़ोगे। अ मसल कॉल्ड द मसीटर इन द जा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बाय वेट। इट अलाउज द टीथ टू क्लोज विद अ फोर्स ऑफ अप टू 55 pounds ऑन द इनसीजर्स और 2000 pounds ऑन द मोलर्स। मसीटर मसल पता है क्या होता है, हम जब पोरिंग करते हैं ना, यानी मुंह में हवा भरते, लाइक मुंह में जब हवा भरते हैं हम ना, उसे मसीटर, वो मसीटर मसल कहलाते हैं। हमारे चिक पर ये मसल होते हैं, गाल गाल, मख मख, पर मख के चिकम मसल ही अगर तुमको सवाल, मसीटर मसल, सही ना। नुदा वेट पर हिसाब बांधे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ले, और पकार पर हिसाब बांधे चिकम वर्ड वर्क हार्ड कही अगर अजड़ा मसल हार्ड कही। ओके, देन स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेजर सिस्टम इन आवर बॉडी। इट कम्पोज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बोन। द 206 बोन आर फिक्स्ड इन आवर बॉडी टू फॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये आप लोग पढ़ चुके हो मेरे ख्याल में। बोन क्या है, ये स्टेटिक परमानेंट और हाईली वेस्कुलर लिविंग स्ट्रक्चर है दैट आर कंटिन्यूसली बींग रिमॉडल्ड। यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात है, ये भी आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पोर्शन है, बट मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ। हमारे पास देखो बोन सेल्स टाइप होती है ना, तो जो बोन के सेल्स होते हैं ना, ऑस्टियोसाइट्स को हम बोन सेल कहते हैं, सही। बोन जिस सेल से बना है वो ऑस्टियोसाइट है। किडनी जिस सेल से बना है वो नेफ्रॉन है, या नेफ्रोसाइट भी कहते हैं, नेफ्रॉन। इस तरह मसल जिस सेल से बना है वो मायोसाइट है। इस तरह नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स हैं। मेरी बात आप लोग ज़रा समझने की कोशिश करोगे, तो हर ऑर्गन के जो सेल्स हैं हमने उसको पर्टिकुलर नाम लिया है। अब ऑस्टियोसाइट मेच्योर सेल्स हैं। हमारे बोन में होता क्या है, बोन के सेल टूटते हैं और फिर जुड़ते हैं, और ये ज़रूरी होता है। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, ये बोन तोड़ने वाले सेल हैं। ब्लास्ट मतलब ओके, सो फॉर्मिंग। ब्लास्ट डिस्ट्रॉय नहीं करोगे आप, क्लास डिस्ट्रॉय। यहाँ पे आप लोग जरा समझोगे, ब्लास्ट अमूमन कहते हैं ना डिस्ट्रॉय को, बट यहाँ पर उल्टा है। तो बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट, जबकि बोन डिस्ट्रॉइंग सेल आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। इसके अलावा भी सेल्स होते हैं, मैं आपको बता दूँ, लेकिन वो एडवांस बात है। ओके, टाइप्स ऑफ बोन, यार ये तो सिंपल सी बात है, आप लोग को पता होगा। कुछ हड्डियाँ बड़ी होगी, कुछ छोटी होगी, कुछ गोल होगी, कैसे मैं आपको बताऊँ। हमारे जो घुटने की हड्डी है ना, वो बिल्कुल गोल है ना, और हाथ की हड्डी थोड़ी सी लंबी होगी। अगर मैं अपने पाँव की हड्डी की बात करूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आपको, जस्ट बता रहा हूँ, वो लंबी होगी, और ये मेरे ख्याल में पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, सही। ये आपकी लॉन्ग बोन है, ये आपकी शॉर्ट बोन है, ये आपका इररेगुलर बोन है, और ये आपका फ्लैट बोन है। तो ये टाइप्स है सिंपल। लॉन्ग बोन होते हैं जिसमें हाथ का बोन आता है, जिसे ह्यूमरस कहते हैं, शोल्डर से लेकर एल्बो तक ये बोन होता है। फिर हमारी थाई, पतुन की चिकम बोन ही कहना, थाई से लेकर घुटने तक वो